पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः ही संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के दो मंत्रियों की टिप्पणियों पर भी बात हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि वह स्पष्ट करें कि शाहजहां शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पहले से ही शाहजहां शेख के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है और वह एक आरोपी है और इसलिए शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा एक गलत धारणा बनाई गई है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया गया है, जबकि इस तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखबारों के मुताबिक इस मामले में 800 से ज्यादा याचिकाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार नियमों के मुताबिक काम नहीं करेगी तो राज्यपाल अपना कर्तव्य निभाते हुए इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने शेख शाहजहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई बहाना नहीं है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। As you know, from the newspaper reports, the police came there, ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. The process has started. The women have come forward. They have started asserting themselves. And now there will be a sea change. Let us wait for that. Generals may not fight. They make others fight. Governor's job is to see that the elected government takes action. Within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will intervene.